नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल अमरीश एजुकेटर एंड अगेन आई एम हियर विद अ न्यू इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव वीडियो। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैं इंडियन इकोनॉमी पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं नहीं ला पाई। सो टुडे दिस इज तो जो बुक आपको स्क्रीन पर दिख रही है, दैट इज इंडियन इकोनॉमी बाय विवेक सिंह। सो फ्रेंड्स, हमें लगभग ये गाइड किया जाता है दैट वी शुड रीड रमेश सिंह फॉर इंडियन इकोनॉमी, बट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर आप एक फ्रेशर है और इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है वो आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, तो आपको तब रमेश सिंह नहीं लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो थ्रू दिस बुक विवेक सिंह, और फिर आपको उसके बाद जो है रमेश सिंह लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि आपको ये बुक क्यों लेनी चाहिए। सो फ्रेंड, जो विवेक सिंह हैं उन्होंने पर्टिकुलरली ये बुक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए ही लिखी है, दैट इज़ जनरल स्टडीज़। आई थिंक शायद पेपर जीएस पेपर 3, हाँ, तो उसके लिए ही उन्होंने ये बुक लिखी है, इकोनॉमिक्स और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो भी है उसमें, तो उसके लिए उन्होंने ये बुक लिखी है। ये शुभ्रा रंजन IAS स्टडी कोचिंग सेंटर पर पढ़ाते भी हैं, और इन्होंने इकोनॉमिक्स की ये जो 4th edition इन्होंने लॉन्च किया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिख रहा है कि दिस इज़ हिज 4th edition, February 20 में ये लॉन्च हुआ है। तो सबसे खासियत इस बुक की है कि जिनको इकोनॉमिक्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो स्टार्टिंग लेवल से टॉप लेवल तक पहुंच सकते हैं। रमेश सिंह की जो बुक है उसमें काफ़ी जार्गॉन्स हैं और समझने में थोड़ी मुश्किल आएगी अगर यू आर न्यू टू इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, ये बुक आपको अमेज़ॉन पे भी मिल सकती है, फ्लिपकार्ट पे भी मिल सकती है, और अब हम देखते हैं कि इस बुक का प्राइस क्या है। तो फ्रेंड्स, इस बुक का प्रिंट प्राइस आप देख सकते हैं 425 है। तो ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पर 412 की और अमेज़ॉन पर 380 की मिल जाएगी। तो हो सकता है चार्जेस जो हैं वो वेरी करें। तो ये है बुक, और विवेक सिंह की इन्होंने फ़ोटो भी दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो ये शुभ्रा रंजन IAS कोचिंग सेंटर पे पढ़ाते हैं, और इन्होंने ये बुक लॉन्च की है। और यहाँ पर मैं आपकी इन्फो पढ़ के दिखाऊँगी। पहले विवेक सिंह BTech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम IT BHU 2004, और इन्हें 7 year टीचिंग एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि ही इज़ प्रेजेंटली फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एट शुभ्रा रंजन IAS स्टडी दिल्ली, और ये IIT हैं और MBA भी। तो अब हम देखेंगे कि इस बुक के हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है इस बुक का कंटेंट पेज। मैं इसे जूम करूँगी ताकि आप थोड़ा अच्छे से इसे समझ सकें, देख सकें कि इसमें क्या क्या है। सो नाउ आई विल स्टार्ट रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, देन इकोनॉमिक सिस्टम, 4 sectors ऑफ इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर। तो आप ये सब कुछ खुद ही रीड कर सकते हैं, मैं इसे स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो आप देख लीजिए ये इसके कंटेंट्स हैं, ताकि आपको पता लग सके कि ये बुक आपके लिए कितनी वैल्यूबल है और कितना आपको इससे फ़ायदा होगा। तो ये पूरा कंटेंट पेज नंबर 1 है, और अगर आप चाहें तो आप इसको कॉपी पेन लेकर लिख भी सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कंटेंट पे मूव करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ पेज नंबर 2। ये पेज नंबर 2 के कंटेंट्स हैं, इसमें बजट, गवर्नमेंट अकाउंट्स, बजट क्लैरिफिकेशन, गवर्नमेंट डेफिसिट्स, फिलिप्स बैंकिंग मनी एंड बैंकिंग, देन गवर्नमेंट बजटिंग, लैंड रिफॉर्म्स, इंडियन इकॉनमी, सब्सिडीज, फ्यूल सब्सिडीज, फर्टिलाइजर सब्सिडीज, फूड सब्सिडीज, और एंड में इन्होंने इस किताब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इन्होंने प्रीलिम्स के लिए भी दिए हैं, और दैट इज़ फॉर मेंस आल्सो। यह है इसका कंटेंट नंबर 4, ये था 4th, और ये है 5th। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने जो बजट है और जो इकोनॉमिक सर्वे है 1920 का, उसको भी समराइज़ किया हुआ है और इस बुक में डाला है। सो ऑल टुगेदर इकोनॉमिक्स की सारी नॉलेज अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले आपको विवेक सिंह की ये बुक पढ़नी चाहिए, और उसके बाद आपको कोई दूसरी बुक पढ़नी चाहिए। तो नाउ वी विल मूव इनसाइड द बुक। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप जानना चाहें कि इस बुक की लैंग्वेज कैसी है, इसमें प्रेजेंटेशन कैसी है, तो आप यहाँ से जान सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकॉनमी। तो अगर आपने +1 +2 में भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इसका फॉन्ट साइज़ भी बहुत अच्छा है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ईजी है।
फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि मैं हमेशा वही बुक आपसे शेयर करती हूँ इस चैनल पर जो मुझे लगता है कि मैं खुद पढ़ सकती हूँ और आपके लिए वो अच्छी होगी, जो कि एवरेज बुक होती है, एक एवरेज स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकता है। बिकॉज आई नो कि हम जारगॉन्स और एम्बिगियस लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि तब हमारा सारा कंसंट्रेशन उस लैंग्वेज को हल करने में लग जाएगा, जबकि हमारा मुख्य उद्देश्य है नॉलेज गेन करना। तो इसलिए मैं वही बुक लेकर आती हूँ जो आपके लिए अच्छी हो और ईजिली आप अफोर्ड भी कर सकें और आप पढ़ भी सकें। तो यहाँ भी आप इसकी लैंग्वेज देख सकते हैं, एवरी ह्यूमन सोसाइटी वेदर इट इज़ एन एडवांस्ड इंडस्ट्रियल नेशन, अ सेंट्रल प्लान्ड इकॉनमी और आइसोलेटेड ट्राइबल नेशन मस्ट कन्फ्रंट एंड रिजॉल्व थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हाट हाउ फॉर ह्यूम, क्या कैसे और किसके लिए। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा गया है, बुक के पेजेस काफ़ी क्लियर हैं, इन्होंने काफ़ी डिस्क्रिप्शंस भी दी हैं, बार चार्ट्स भी बनाए हैं, ग्राफ्स भी बनाए हैं ताकि ये अच्छे से डेटा को एक्सप्लेन कर सके, फ्लो चार्ट्स भी बनाए हैं। तो ऑल टुगेदर ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी है और आप बिना किसी मेंटोर के ये बुक पढ़ सकते हैं। और आफ्टर दैट आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग रमेश सिंह बुक, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस बुक जब आपको पता लग जाए कि इकोनॉमिक्स की आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उसके बाद आप रमेश सिंह बाय कीजिए या कोई और बुक बाय कीजिए, पर पहले इसे ज़रूर गो थ्रू होइए। सो फ्रेंड्स फिर से मैं आपसे यही अपील करूँगी कि अगर आपको मेरी एजुकेटिव वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड मोटिवेटिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अ लव एंड सपोर्ट।